हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड रिचा नाथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल IESPSC सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सही समय पर सही जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 65th BPSC के लिए हिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। अब हिस्ट्री के पोर्शन को आगे ले जाने के लिए हमें ये जानना होगा कि प्राचीन इतिहास को किन किन भागों में बांटा जाता है। तो प्राचीन इतिहास को हम प्रागैतिहासिक, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल में बांट करके अध्ययन करते हैं। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है वो है प्री हिस्ट्री, यानी इसमें इसे पाषाण काल भी कहते हैं, लेकिन इसमें लिपि नहीं होती थी। लिपि नहीं होने के कारण ही इसे पाषाण काल कहा गया। आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री के अंतर्गत हम हड़प्पा काल को, वैदिक काल को और ताम्रपाषाण काल को अध्ययन करते हैं। तो जो हमारा हड़प्पा काल है उसकी लिपि तो हमें मिलती है लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया अभी तक। वैदिक काल जो है हमारा, इसमें लिपि तो नहीं मिलती है लेकिन जो आर्य जो हैं वो अपने जीवन का जो प्रदर्शन है वो विभिन्न तरीके से कर लेते हैं, तो उसे भी एक प्रकार का लिपि माना गया। हालांकि वह अक्षरित लिपि नहीं है लेकिन वो विभिन्न मार्गों से अपना जो जीवन है उसका जो प्रदर्शन है वो करते हैं, इसलिए इसे आद्य काल में रखा गया है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो इसे मे भी प्रागैतिहासिक में रखा जा सकता था, लेकिन इसका अध्ययन हम आद्य इतिहास में करते हैं। ताम्रपाषाण काल जो है इसमें जल, कृषि, उत्पादन, अर्थव्यवस्था का विकास किया गया था। फ्रेंड्स, जो ऐतिहासिक काल है ये 600 BC के अप्रॉक्स में पढ़ा जाता है और इसे बुद्ध काल भी कहा जाता है। इस समय जो लिपि और लेखन की प्रणाली है उसका विकास हो चुका था और इसके अंतर्गत हम मौर्य काल को, मौर्योत्तर काल को, गुप्त काल को और गुप्तोत्तर काल को देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हमें इस वीडियो में प्राकृतिक हासिक काल के बारे में पढ़ना है। बाकी वीडियो हम धीरे धीरे बनाएंगे जो कि और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। ये अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक इंट्रोडक्शन के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो हमारा प्राकृतिक हासिक काल है उसे भी हम तीन भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज और नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। जो हमारा पूरा पाषाण काल है, पैलियोलिथिक एज है, उसे भी तीन भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक है निम्न, दूसरा है मध्य और तीसरा है उच्च। निम्न में क्रोड उपकरण का निर्माण हुआ था। मध्य पूरा पाषाण काल में शल्य उपकरण का निर्माण माना जाता है और आग की जानकारी भी मध्य पूरा पाषाण काल में हुई थी। इन सब पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी एग्जामिनर इसे क्वेश्चन बना देता है। जो हमारा उच्च पूरा पाषाण काल था उस समय आधुनिक मानव का विकास हो चुका था और कला का भी विकास हो रहा था। शल्य उपकरण में क्रोड उपकरण की अपेक्षा तकनीकी कुशलता दिखाई देती है पूरा पाषाण काल में, और जो इनकी जीविका थी वह शिकार और संग्रहणकर्ता के रूप में थी। ठीक है, अब हम मध्य पाषाण काल को देखते हैं यानी मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में जो मानव था वह पत्थर के छोटे छोटे उपकरण बनाने लगे थे और उन छोटे छोटे पत्थर के उपकरणों का प्रयोग कहाँ किया जाता था? पक्षियों के शिकार करने में, पशुपालन में और मछलियों को पकड़ने में। जो पक्षियों का शिकार करने में उन छोटे पत्थरों के उपकरण का प्रयोग किया जाता था उसका जो थ्योरी था वो प्रक्षेपास्त्र था, यानी जाने अनजाने उन्होंने प्रक्षेपास्त्र का विकास किया है। ठीक है, उसकी थ्योरी वहीं से आई है और पहली बार युद्ध और मानवीय आक्रमण के साक्ष्य भी हमें मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। तीसरे तरफ चलते हैं नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में आग का उपयोग करना मानव सीख चुका था, कृषि का विकास हो चुका था, स्थायी ग्राम का विकास हो चुका था, पत्थरों को घिसकर उपकरण बनाने का विकास हो चुका था, मृदा भांड बनाने का विकास हो चुका था और पहली बार धातु का प्रयोग किया जाता था
जो था तांबा, और इसी को क्रांति का काल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो धातु है वो ऐड हो गया। ठीक है, धातु ऐड होने के कारण इसे क्रांति का काल भी कहा जाता है। और नवपाषाण काल को भी दो भागों में बांटकर हम देख सकते हैं, धातु रहित और धातु युक्त। हालांकि इतने डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रागैतिहासिक कालीन बिहार के बारे में अगर हम पढ़ें, जो कि इस भाग का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मान सकते हैं आप, तो जो बिहार के दक्षिण भाग है वहाँ पर आदि मानव के निवास के साक्ष्य मिलते हैं। तो आदि मानव के निवास के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? बिहार के दक्षिण भाग में। बिहार में सबसे पुराने अवशेष पूर्व प्रस्तर युग के हैं। ठीक है, पूर्व प्रस्तर युग के जो अवशेष हैं वो सबसे पुराने अवशेष माने जाते हैं बिहार में। इसमें क्या क्या है? इसमें है पत्थर की कुल्हाड़ियों के फल और चाकू खुरपी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के टुकड़े, ये सब जो हैं इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। पूर्व प्रस्तर युग के हैं ये सब, और ये बिहार में सबसे पुराने अवशेष के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण युग के अवशेष मुंगेर और नालंदा जिले में, ये थोड़ा याद रखिएगा, मुंगेर और नालंदा, इसके मैंने क्वेश्चंस एक दो बार देखे हैं। तो मध्य पाषाण युग के अवशेष मुंगेर और नालंदा जिलों में उत्खनन में प्राप्त हुए, जो पत्थर के छोटे टुकड़ों से बने हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य पाषाण युग के अवशेष सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद और संथाल परगना से प्राप्त होते हैं, जो कि अब झारखंड में अवस्थित हैं। ठीक है, बिहार में कौन कौन से हैं? मुंगेर और नालंदा, इनके अलावा सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद और संथाल परगना में भी पाए जाते थे। लेकिन 2000 के बाद आप सबको पता है कि झारखंड अलग हुआ और अब ये सारे क्षेत्र झारखंड के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और ये छोटे आकार के पत्थर के बने होते हैं जिसमें तेज धार और नोक है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। नवपाषाण युग के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद, ये भी जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एग्जामिनेशन से पहले बस एक सरसरी निगाह से ज़रूर देख लीजिएगा। नवपाषाण युग के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद, जो सारण जिला में है, और चेचर कहाँ है? वैशाली जिला से प्राप्त हुए, और औजार पत्थर के साथ हड्डी से भी बने मिले। ठीक है, ये जो नवपाषाण काल युग के जो औजार हैं उसमें ना सिर्फ पत्थर यूज़ हुआ बल्कि हड्डी भी यूज़ होता है। ये जो हड्डी यूज़ हुए हैं ये आपको मध्य और पूरा में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ नवपाषाण युग के अवशेष जो बिहार में हैं, उसको ध्यान से याद रखिएगा कि पत्थर के साथ साथ हड्डियों से भी औजार बनने लगे थे नवपाषाण युग में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रागैतिहासिक काल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हिस्ट्री जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका एक बेस जरूर होना चाहिए। लेकिन अब उससे रिलेटेड जब हम प्रश्न कर लेते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल साफ हो जाता है उस चैप्टर के प्रति। तो हम अपने कुछ प्रश्नों के माध्यम से MCQs करेंगे, और जो फ्रेंड ये MCQs है ना, ये क्राउन के बुक से और इम्तियाज़ अहमद के किताब से लिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न मैंने स्वयं नहीं बनाए हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर नहीं था इसलिए मैंने खुद नहीं बनाया। जो किताबों में दिया हुआ है क्राउन के और इम्तियाज़ अहमद के बुक में, वो प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहला कुल्हाड़ी, सेकंड चाकू और खुरपी, और थर्ड मृदभांड। तो ये जो तीनों ही हैं, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी और मृदभांड, आपको मैंने अभी बताया थ्योरी में कि ये तीनों ही जो है वो ऐतिहासिक काल के अवशेष हैं और बिहार में पाए गए हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा, 1, 2 और 3। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स, ये भी हमने अभी अभी थ्योरी में देखा है कि बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य जो हैं वो मुंगेर और नालंदा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक लक्ष्य किस युग के हैं? तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पूर्व प्रस्तर युग, यानी पूर्व प्रस्तर युग में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य इस युग में प्राप्त हुए हैं। किस युग में? पूर्व प्रस्तर युग में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अभी अभी हमने इसे थ्योरी में भी देखा है। और ये कहाँ से मिले हैं? मुंगेर से मिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सब मैंने आपको अभी पढ़ा चुका है, इसलिए सिर्फ एक प्रश्न के रूप में इसको देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच सके और वो इसका लाभ उठा सके। अगला प्रश्न है फ्रेंड, बिहार में चिरांद, सारण और चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष पाए गए हैं? ये भी हमने अभी अभी थ्योरी में देखा है, जो बिहार में प्रागैतिहासिक काल है ये है नव प्रस्तर युग। आप देखिए, जो पूरा प्रागैतिहासिक काल का जो डिफिनेशन है वो भले पढ़े ना पढ़े, उसके जो इम्पोर्टेंस सिंह है, लेकिन बिहार का जो हम लोग बिहार स्पेशल शुरू किए हैं, तो बिहार में जो प्राकृतिक ऐसे काल है जिसमें आपका मुंगेर, नालंदा, चिरांद, चेचर, ये सब इम्पॉर्टेंट प्लेस है, तो इसको आप ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि ऐसे तो ये देखने में बहुत ईजी से लगते हैं, लेकिन जब आपके सामने ये प्रश्न के रूप में आते हैं और आपके ऊपर एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों में कंफ्यूज़ कर जाते हैं। लेकिन आप एक बार सरसरी निगाह से देख के जाएंगे तो वो कंफ्यूजन में भी ना हो, इसलिए मैं इनको प्रश्नों के रूप में भी आपके सामने लेकर आई हूँ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परिवर्ती चरण के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो फ्रेंड्स, ये मिलते हैं हमारे चिरांद में भी मिलता है, चेचर में भी मिलता है, सोनपुर और मनेर में भी मिलता है, अर्थात ये उपरोक्त सभी में मिलते हैं। बिहार में ताम्रप्रस्तर युग के परवर्ती चरण के जो अवशेष हैं वो चिरांद, चेचर, सोनपुर और मनेर, यहाँ सभी जगह पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रश्न थे ये सारे इम्तियाज़ अहमद के थे। अब मैं जो प्रश्न आपके सामने ला रही हूँ ये हमारे क्राउन का है, क्राउन बिहार सामान्य ज्ञान से लिए गए प्रश्न है। पहला प्रश्न है फ्रेंड कि इतिहासकारों ने मानव का उद्गम काल कौन से इतिहासकारों ने मानव के उद्गम काल कौन से लाख वर्ष पूर्व मध्य जिसे मध्य प्लिस्टोनिक माना जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा 10। सेकंड है, प्राकृतिक ऐसे काल यानी पुराकाल से नव प्रस्तर काल क्या कहलाती है? अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल या लिखित स्रोत का काल? तो ये फ्रेंड जो हमारा प्राकृतिक ऐसिक काल है ये अलिखित है, पाषाण काल याद है आपको, पाषाण काल, तो ये अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक कहलाती है। अब ये क्या है, ये अलिखित प्रत्यक्ष स्रोत का काल है या फिर लिखित स्रोत का काल है या फिर दोनों ही हैं? तो ये फ्रेंड जो है वो है लिखित स्रोत का काल। ऐतिहासिक आपको में भी याद होगा जो मैंने बता रहा था कि मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, ये सारे वो है जो है ऐतिहासिक काल में है, और इस समय लिपि का जो है हमारा खोज हो चुका था और सारी चीज़ें लिखित स्रोत के रूप में हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पूरा पाषाण काल कब से कब? तो ये है फ्रेंड 10 लाख से 11000 ईसा पूर्व जो है हमारा
वह है पूरा पाषाण काल का। ठीक है, एक बार इन प्रश्नों को देख के ज़रूर जाइएगा एग्जामिनेशन में, मेरा यही सजेशन होगा आप लोगों का। मध्य पाषाण काल के बारे में देखें तो मध्य पाषाण काल का जो ड्यूरेशन है फ्रेंड, वह है 1100 से 6000 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट है 6000 से 4000 ईसा पूर्व का जो काल है वो क्या कहलाती है। दो तो हम पहले ही देख चुके, पूरा और मध्य। इसका आंसर है नवपाषाण काल। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो कैलोलिथिक काल है, उनका ड्यूरेशन पूछा गया है। तो ये है आपका 4000 से 3000 ईसा पूर्व का। कांस्य युग का समय पूछा गया है फ्रेंड अगले प्रश्न में। तो कांस्य युग का जो समय है वो है 3000 से 2000 ईसा पूर्व। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि लौह युग का समय कब से कब है। तो हमारा जो लौह युग है वो 2000 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। और बिहार में मानव निवास का इतिहास कितना पुराना है, तो फ्रेंड्स 1 लाख ईसा पूर्व मान सकते हैं, जब हमारा आदि मानव का जहाँ साक्ष्य मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजारों और उपकरणों का संबंध किस संस्कृति से है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से नवपाषाणकालीन संस्कृति तक। हमने तब से, आपको याद होगा मैंने अभी अभी थ्योरी में बताया है कि पत्थरों के छोटे छोटे औजार हम बनाते थे और उनका विस्तार होता गया। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में तो हम पत्थर के छोटे छोटे औजार ही यूज़ करते थे, लेकिन नवपाषाणकालीन संस्कृति में हम पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के भी औजार बनाने लगे थे। ठीक है, ज़रूर याद आया होगा अभी। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मानव का नामकरण क्या किया है। तो ये है फ्रेंड हमारा नियंडरथ, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है वाल्मीकि नगर जो कि अब पश्चिम चंपारण है से प्राप्त उपकरण किस काल के हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा पूरा पाषाणकालीन है। मुंगेर से प्राप्त अवशेष किस युग के हैं ये पूछा जा रहा है। तो ये फ्रेंड हमारा मध्यवर्ती प्रस्तर युग के अवशेष हैं। ठीक है, अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ मिले हैं। तो आप बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं क्योंकि थ्योरी में हमने पढ़ा है, कहाँ, मुंगेर और नालंदा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं। तो फ्रेंड ये है हमारा पूर्व प्रस्तर युग का, ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य कहाँ मिले, ये भी मैं आपको थ्योरी में बता चुकी हूँ और इसका आंसर है मुंगेर से। नेक्स्ट प्रश्न है चिरांद, सारण और चेचर वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड ये भी हमने अब थ्योरी में देखा है, कौन सा है इसका आंसर, डी, नव प्रस्तर युग। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परिवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा जो है ये चिरांद से भी मिलता है, चेचर से मिलता है, मनेर और सोनपुर से भी मिलता है। ये हमने इम्तियाज अहमद का जब हम प्रश्न देख रहे थे उसमें भी था। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है कि बिहार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए कौन सा कथन सत्य है तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य और उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, आप सब जानते हैं बिहार में आदि मानव के निवास करते थे, बिल्कुल करते थे, तभी तो उनका साक्ष्य मिला है, कहाँ से, मुंगेर और नालंदा से। ठीक है, बिहार में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पूरा पाषाण काल के हैं।
फ्रेंड ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो हमारा प्राकृतिक हिस्से काल से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने मैं ला सकती थी वो मैं इस वीडियो में लाई हूँ, और हमारा हिस्ट्री का जो पोर्शन है बिहार स्पेशल का वो प्रारंभ हो चुका है। अब हम बिहार स्पेशल का एक करके चैप्टर वाइज पहले हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, देन हम ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, ऐसे करके बिहार स्पेशल के क्लासेस जो हैं वो हम समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।